नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही के दिन लखनऊ में हुई कन्हैया कुमार की जबरदस्त स्पीच। संसद का तो मतलब यही होता है कि सिर्फ मन की बात नहीं हो, सबकी बात हो। जहां पर आए हैं बढ़िया जो है स्नो पाउडर लगा करके, दाढ़ी में ब्लीचिंग करवा करके, और अगल बगल जो है लोग खड़ा करके मीडिया के सामने आए और अपना मोनोलॉग दे करके चले गए। आप में से बहुत सारे लोग प्यार का पंचनामा देखे होंगे, यही है ना प्यार का पंचनामा, जो डायलॉग मारता है अकेले लड़का लड़की के बारे में, जिसमें लड़की है ही नहीं वहाँ पे मौजूद। तो मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग होगा। संसद होने का यही मतलब होता है। हालांकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इससे पहले भी कई सत्र हुए हैं, और उस सत्र में हमने क्या देखा है कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, वो संसद में कम और भाजपा की रैलियों में ज्यादा होते हैं। जितना दिन वो पार्लियामेंट में रहे हैं उससे ज्यादा दिन वो विदेश में घूमे हैं। तो जब प्रधानमंत्री ही संसद में मौजूद नहीं हो, जब सरकार के मुखिया ही संसद में मौजूद नहीं हो, तो संसद में कितनी सकारात्मक बहस के लिए सरकार तैयार है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र कभी भी एक तरफा नहीं होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विपक्ष के सवाल होते हैं, सरकार के जवाब होते हैं। लेकिन पिछले आप लगातार कई सत्रों में ये देखो होंगे कि टीवी न्यूज चैनल वाले लिखते हैं, दिखाते हैं कि इस बार का सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ने के आसार। विपक्ष कर सकता है कई मुद्दों पर हंगामा। उन मीडिया के दोस्तों से एक बात कहना चाहते हैं, हम विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता के जो सवाल हैं उस पर सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। सरकार जो वादे कर करके चुनकर आई उस पर सरकार की कार्रवाई का रिपोर्ट चाहते हैं। सरकार बहस नहीं चाहती है, लेकिन पता नहीं किस प्रेम में या किस डर में आप सरकार से सवाल पूछने की बजाय संसद की जो कार्रवाई नहीं होती है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराते हैं। आप खुद बताइए, क्या आपको प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? बुलाए थे एक अभिनेता को, जानते हैं क्या सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से? आम कैसे खाते हैं, भकोस लेते हैं, कैसे खाते हैं, ये सवाल होता है कि आम कैसे खाते हैं? ये प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा? नहाते कैसे हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते हैं नहीं लगाते हैं, दाढ़ी में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ये प्रश्न होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पूछिए सरकार से कि सरकार बहस चाहती है। सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं? सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं? और इस देश के लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों नहीं सरकार से पूछा जा रहा है? अरे हमारा छोड़ दीजिए, हम लोग का क्या है, हम लोग विपक्ष में हैं। हमारी तो हालत ये है कि मीडिया भी हमी से सवाल पूछ रही है, वोटर भी हमी से सवाल पूछ रहा है, और सरकार भी जो है जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके अपनी पुलिस से थाने में सवाल बैठा के पूछवा रही है। हमारा क्या है? लेकिन आप पूछिए ये सवाल, किसके लिए, किसके कहने पर
इस देश के लोगों की जासूसी की गई। किसके कहने पर? जज की जासूसी की गई। किसके कहने पर? अरे छोड़ दीजिए, हमारा अपने ही मंत्रियों की इन्होंने जासूसी करवाई। और एक बात मैं बता दूं, एक कहावत है, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। जासूसी आज के डेट में इनकी जरूरत कम और आदत ज्यादा बन गई है। आज से जासूसी कर रहे हैं। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे। जब गुजरात में थे तो एक महिला की जासूसी किया करते थे। आज दिल्ली में बैठे हैं तो सरकार का, जज का, मीडिया का और वो तमाम लोग जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं उनकी जासूसी करा रहे हैं। करा लीजिए ना, अरे डर थोड़ी लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुप सकता है। हमको जरूरत नहीं है कोई चीज छुपाने की। कौन कहता है, कौन कहता है कि झूठ मेहनत नहीं करता? देख लीजिए, गोडसे को सही साबित करने के लिए बार बार गोडसे के भक्त को गांधी के सामने झुकना पड़ता है। कल प्रचार जीवी जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सपना तो वही देखते हैं ना जो सोते रहते हैं। हमने कहा कि खुली आंख से भी सपना देखा जाता है। खुली आंख से सपना देखा जाता है समाज के लिए और आंख बंद करके सपना देखा जाता है अपने लिए। हम खुली आंख से सपने देखने वाले लोग हैं जो पूरे समाज के लिए सपना देखते हैं। पास लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पास कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना और ये खतरनाक लोग हैं जो हमारे सपनों को मार रहे हैं। कि सिर्फ शहरों को स्मार्ट बना देने से देश नहीं स्मार्ट होगा, क्योंकि देश में सिर्फ शहर नहीं है, गांव भी है। तो गांव से जो विद्यार्थी झोला लेकर के आता है पढ़ने के लिए लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, ये जो विद्यार्थी गांव से निकल करके आते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस उम्मीद से रहते हैं? एस्बेस्टस का छत होता है। एस्बेस्टस एक ऐसा कमाल चीज है कि एसी के अपोजिट काम करता है। गर्मी में खूब गर्म होता है और ठंडा में खूब ठंडा होता है। जो एस्बेस्टस की छत के नीचे रहे होंगे उनको ये बात मालूम होगा, गर्मी में जब एस्बेस्टस खूब गर्म हो जाता है तब रोटी बेलने का मन नहीं करता है। और आप में से कई सारे लोग ये शब्द सुने होंगे, बीबीसी, दाल भात चोखा। क्यों खाते हैं दाल भात चोखा? क्योंकि रोटी बेलने की हिम्मत नहीं होती है, पसीना निकलता है। रोटी बेल करके, चोखा बना करके, खिचड़ी खा करके और साइकिल ले करके ये कोचिंग से वो कोचिंग, वो कोचिंग से वो कोचिंग, इस उम्मीद में घूमते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, बहाली आएगी, भर्ती होगी। और जब सरकारी नौकरी मिलेगी, हम साफ साफ बोलते हैं, लाग लपेट हमको बोलना नहीं आता है, सरकारी नौकरी मिलेगी तो ब्याह होगा। क्या रे बुतरू हंस रहा है पीछे? सरकारी नौकरी होगी तो ब्याह होगा, बायोडेटा जाएगा, चौराई से बाबूजी बोलेंगे हमारा बबुआ को रेलवे में नौकरी हो गया है। सोच के देखिए, रेलवे बचेगा ही नहीं तो नौकरी लीजिएगा मंगल ग्रह पे, कहां मिलेगा नौकरी? ये सवाल है। और इस सवाल को गुमराह करने के लिए कहा क्या जा रहा है, हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। मेरा बहुत एक तार्किक प्रश्न है, आप सब लोग लखनऊ के लोग हैं, अवध का इलाका है, अयोध्या है, अयोध्या कहा जाता है प्रभु श्री राम की नगरी है। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ और मिथिला के बारे में कहा जाता है कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। मैं तो ये बात समझ में ही नहीं पा रहा हूँ। आरएसएस बने बना 1925 में,
रामायण हुआ त्रेता युग में, तो ये राम को कैसे लेकर के आए हैं? इनका इतिहास खराब है, ये इतिहास नहीं पढ़े हैं। ये इतिहास अगर पढ़े होते तो ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचे होते, हम राम को लाएंगे कि राम हमको लाएंगे। सोच के देखिए, कौन राम को लाएगा? हम लाएंगे कि राम हमको लेकर के आएंगे? ये राम को नहीं लाए हैं, ये नाथू राम को लाए हैं। इस बात को याद रखिएगा, जिनकी टोपी काली जिनकी सोच काली वही स्याही पे चले। ये पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि वाइसराय साहब बहुत गड़बड़ हो गया है, ये गांधी जो है ये सबको इकट्ठा कर लिया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, कोई छूट ही नहीं रहा है। सबका साथ सबका विकास एकदम 100% गारंटीड। अब कैसे होगा? तो वाइसराय ने कहा कि इनको आपस में लड़ाने का कोई उपाय बताओ। तो बोला, भारत में झगड़ा कराने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है धर्म। तो कैसे झगड़ा हो सकता है? बोला, जिस धर्म का इस्तेमाल करके 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें सिपाहियों की एकता स्थापित की गई थी, उसी धर्म का इस्तेमाल करके इन भारतीयों को आपस में लड़ाया जा सकता है। और सुवर, मैं हिस्ट्री का बात बता रहा हूं, और है किसी के दम के पास अगर ये, तो मुझे चैलेंज करके दिखाए कि मैं गलत फैक्ट बोल रहा हूं। सुअर के मांस, एक ही आदमी सुअर के मांस मस्जिदों में फेंके गए, गाय के मांस को मंदिरों में फेंकवाया गया, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया गया। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और यही जो डिवाइड एंड रूल है, वो डिवाइड एंड रूल आज इस देश के अंदर ये डाइवर्ट एंड रूल के फॉर्म में कर रहे हैं। डाइवर्जन क्या होता है? कई बार डाइवर्जन जो है ना, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव डाइवर्जन क्या है? कि जब सड़क बन रही हो तो लिखा रहता है कि डाइवर्जन अहेड, लेकिन कई बार सड़क जब बन नहीं रही हो ना, सड़क को बेचा जा रहा हो, तब भी एक डाइवर्जन किया जाता है जो दिखता नहीं है, जिसके बारे में लिखा नहीं रहता है डाइवर्जन अहेड। और ये डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन ये है कि जहां हम थे रिवर्स गियर लग गया है। देश कैसा बनाना चाहते हैं ये सवाल पीछे छूट गया है, देश को हम बचाना चाहते हैं ये सवाल ज्यादा प्रोमिनेंट होकर के आज हमारे सामने आ गया है। कैसा चला गया मेरिट का लॉजिक? सरकार ने कहा है कि हम लेटरल एंट्री करेंगे। लेटरल एंट्री मतलब समझते हैं क्या होता है? लेटरल एंट्री मतलब होता है जैसे हम यहां से चल करके ऐसे आए मंच पर। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि नहीं, ऐसे हम चल करके नहीं आएंगे। दूल्हा दुल्हन आजकल जो फैंसी शादी होता है, वो सीधे मंच पर अवतरित होते हैं, उसी को कहते हैं लेटरल एंट्री। दूल्हा दुल्हन सामने से चल करके नहीं आएगा, छत फट जाएगा, दीवार फट जाएगी, धरती फट जाएगा, उससे दूल्हा दुल्हन निकलते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि आपके जो डीएम और एसपी साहब है ना, उनको परीक्षा देने का जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी इंसान का प्रोफेशनल असेसमेंट करके किसी को भी एसपी और डीएम बना सकती है। पूछिएगा अपने भाजपा के प्रिय दोस्तों को, क्या यार क्या हाल है? देश में लेटरल एंट्री हो रहा है। देश में पहले भी लेटरल एंट्री हो रहा था। जब बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने का मौका मिला तो तुम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने कि जैसा अमित शाह बना, अमित शाह का बेटा जैसा बना? जरा सोच के बताना। और कल को अगर एसपी डीएम बनने में भी लेटरल एंट्री हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि हमारे और आपके घर के बच्चे एसपी और डीएम बनेंगे? यही चौड़वा मंत्री सबका बाल बच्चा एसपी और डीएम बनकर के बैठ जाएगा। एसपी और सोच के बताइए इसके बारे में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका बहाली टाइम पे होता है।
पहले तो वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी अगर आ गया तो जो है परीक्षा नहीं होगा समय पे, परीक्षा अगर होने वाला है तो आप ट्रेन में लटक करके, पता है किसी अपने यूरोपियन दोस्त को अगर वो फोटो दिखा देंगे ना, आईसीयू में चला जाएगा देख करके। आप जानते हैं कि ऊपर अब इलेक्ट्रिक तार होता है, कोई अगर चल करके देखना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको, गया में ऊपर इलेक्ट्रिक का तार बिछा हुआ है, ट्रेन के ऊपर बैठ करके लोग यात्रा करता है। अपनी आंख से जब हम देखें ना, तो थोड़े देर के लिए हमारा दिमाग काम करने के पोजीशन में नहीं था। ट्रेन में जब परीक्षा होती है, क्या इंजन, क्या गार्ड का बोगी, क्या बोगी के बीच में ऊपर नीचे एकक वो सीट पे 20-20 गो लोग रहता है, और सीट पे बैठने का जुगाड़ देखिएगा, साइड में जो सामान रखने वाला जगह होता है और जो ऊपर वाला सामान रखने वाला जगह होता है, दोनों के बीच में गमछा बांध करके उसमें दुगो आदमी लटका रहता है। हम ऐसी जिंदगी जीने के लिए विवश हैं, और वैसे करके जब हम परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। आप सोच करके देखिए, यह दर्द नहीं है, यह समस्या नहीं है, यह समस्या नौकरी का सवाल जो हमने वादा नहीं किया था, यही वादा किया था जुमलेबाज, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा इनका था, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं, और जो भी चीज होता है उसमें किस तरीके से जो है बेईमानी की जाती है, और इंसान के साथ विद्यार्थियों के साथ भेड़ बकरी जैसा बर्ताव किया जाता है। और जब मैं इस सवाल को बोलता हूं तो मुंह उठा करके हमको आगे पूछेगा, अच्छा तो बताइए जरा राजस्थान में क्या हो रहा है, ये हमसे पूछता है। अरे राजस्थान में आया सवाल, सवाल हमने उठाया, सरकार ने कार्रवाई की, रीट घोटाले में शामिल एक एक लोग को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, ये हमने राजस्थान में किया है, ये भगवान का कसम खा करके झूठ बोलते हैं। इन्होंने प्लेज दिलवाया था 2016 में कि हम नया इंडिया बना देंगे, और ये नया इंडिया क्या होगा, इस नए इंडिया में जातिवाद नहीं होगा। तो जाट सम्मेलन हमारा चाचा करने के लिए आया था कि जातिवाद नहीं है, चुनाव हो रहा है ना, जात के नाम पे सम्मेलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम जो है जातिवाद मुक्त कर देंगे, और क्या कर देंगे, सांप्रदायिकता मुक्त कर देंगे, अपने ही मुंह से बोला था ना, चलिए अपने ठीक है, अपना दिमाग से नहीं बोला था, टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ था, पढ़ करके बोला होगा, लेकिन बोला तो अपने ही मुंह से था ना, क्या बोले भाई, शमशान और कब्रिस्तान, ये सांप्रदायिकता फ्री है, 80 और 20 ये सांप्रदायिकता फ्री है, क्या कहे थे, देश से गरीबी समाप्त कर देंगे। अभी कोरोना का समय बीता है ना, कौन लोग था, 1,000 किलोमीटर लोग गए हैं पैदल चल करके, और आपके इसी लखनऊ हाईवे से लोग गए हैं। मैं कई एनएसयूआई और इस कांग्रेस के लड़कों को जानता हूं जो उस वक्त चप्पल बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, कहां थी सरकार, कहां चली गई थी सरकार। और आज जो है धर्म के नाम पर लोगों के मुद्दे भटकाना चाहते हैं, क्या कर रही थी गवर्नमेंट, क्यों नहीं मिल रहा था लोगों को सिलेंडर, क्यों नहीं मिले बेड, छोड़ दीजिए हम तो जनता हैं, अपने नेता को बेड नहीं दे पाया, अपने मंत्री को बेड नहीं दे पाया, ये हकीकत है। कहते हैं कि मर जाने के बाद जब हमारे यहां मृत शरीर गुजरता है तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, एक संस्कृति है कि जब भी मृत शरीर गुजरेगा तो उसको प्रणाम करते हैं कि आत्मा को शांति मिले, अंतिम हक है वो, उस अंतिम हक से भी लोगों को छीन लिया गया, शमशान में जगह नहीं मिली, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। उस सवाल पे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बुलडोजर चलेगा। अव्वल तो मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है, कोई इंसान अगर सन्यासी का वस्त्र धारण करके
सन्यास के कर्म के साथ धोखा करता है, वह न सिर्फ धर्म के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी बेईमानी का काम कर रहा है। जिन लोगों को लगता है कि ये धर्म बचाएंगे, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, ये धर्म नहीं बचाएंगे, अपना धंधा बचा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इनका धंधा ये है कि आपका धंधा लूटेंगे और अपने देश के दोस्त के धंधे को बढ़ाएंगे। मैं बार बार ये लोगों को कर रहा हूं, ये देश का नाम लेकर के दोस्तों का खजाना भर रहे हैं। ये लड़ाई वैचारिक है, इस बात को समझ लीजिए। हमारे लिए ये मेरी व्यक्तिगत समझ है, और मैं समझता हूं यहां बैठे जो आप तमाम लोग हैं उनको भी ये महसूस होता होगा। बुनियादी तौर पर यह लड़ाई वैचारिक है। ये लड़ाई वैचारिक इस रूप में है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। हम बेचने वाला भारत चाहते हैं कि बचाने वाला भारत चाहते हैं, इस बात को आपको तय करना पड़ेगा। और जो बेचने वाले लोग हैं वही आज हमारी संस्कृति को, धर्म को, इतिहास को और हमारे समाज के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि जिस मठ का ये संत होने का दावा करते हैं उसका इतिहास क्या है। नाथ संप्रदाय के अंदर सगुण भक्ति नहीं होती है, निर्गुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्ति क्या होता है कि राम जो हैं वो साकार नहीं है, निराकार है। और हमको पढ़ाया गया है, अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो मुझे बताइएगा, कि देश की साहित्य की परंपरा में तुलसी के भी राम हैं, तुलसी के भी राम हैं। और तमाम वो जो साहित्यिक परंपरा है उसमें कबीर के भी राम हैं। अब आप मुझे बताइए कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या साहित्य में हम लोगों को सिखाया और पढ़ाया गया है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। भगवान जो हैं वो कणकण में विराजमान हैं। इसीलिए एक परंपरा कहता है कि साकार ब्रह्म होने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म निराकार होता है। और दूसरी परंपरा कहती है कि हमारे मन में जो भक्ति होती है वही हम भगवान के प्रति आरोपित करते हैं। इसीलिए ईश्वर जो हैं वो साकार भी हो सकते हैं। उसी वक्त कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। आप बताइए कि इस इतिहास, धर्म और संस्कृति को आज कौन खंडित करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग जो कह रहे हैं कि इस देश के एक एक बेरोजगार को आपको नौकरी देने पड़ेगी, इस देश की एक एक महिला को आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी, इस देश के एक एक किसान को उसकी फसल का दाम देना पड़ेगा, इस देश के एक एक मजदूर को उसको न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। यह देश हम सबका है। यह देश जितना हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले लोगों का है, यह देश उतना ही फुटपाथ पर बैठ करके जूता सिलने वालों का है। यह हमारा डिमांड है, यह हमारी लड़ाई है। और इस बात को याद रखना कि जब गोडसे को गोली मारने का मौका मिला ना, उन्होंने गांधी को चुना, क्योंकि गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुनने के लिए। आज के समय में ये कठिन लड़ाई है, ये तुमको भी समझना पड़ेगा और ये हमको भी समझना पड़ेगा। क्या मेरा नाम कन्हैया है, मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं तो मुझे पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलेगा? कोई सोच करके हमको बताए। जो आज इस पूरे के पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता की कल्याण की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विस्थापन का सवाल है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, विश्वविद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उसकी बात नहीं हो रही है, संसाधनों को जो लगातार लोगों के हाथों से छीना जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रहा है कि वेस्टर्न यूपी में
जाट वोट कहां जा रहा है, सेंट्रल यूपी में नोन यादव वोट कहां जा रहा है, ब्राह्मण इस बार क्या करेंगे। अरे महाराज, कोरोना हुआ ना अभी, कैसे हुआ कोरोना, कौन जात को नहीं हुआ हमको बता दीजिए जरा, है कोई ऐसा जात जिसको कोरोना नहीं हुआ हो, है कोई ऐसा धर्म का लोग जिसको कोरोना नहीं हुआ हो। आपको सचमुच लगता है क्या कि डेंगू का मच्छर आएगा और पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, आप कहिएगा नीरज तो काट लेगा, और कहिएगा नदीम तो भाग जाएगा। सचमुच में आपको इस बात पर भरोसा होता है? ये हमारी हकीकत नहीं है। हमारी हकीकत ये है कि देश की राजधानी, वहां पर जो हवा है वो हवा रहने लायक नहीं है, एक QI 400 के पार होता है। ये हमारी हकीकत है। हमारी हकीकत ये है कि यहां से वहां जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए यातायात के संसाधन नहीं बचे हैं। कभी ध्यान दिए हैं? अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो यह सवाल पूछना, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो यह सवाल पूछना कि लेबर लॉ के हिसाब से 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा के बाद अगर 1 मिनट भी काम करेंगे तो 2 मिनट का पैसा मिलना चाहिए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मिनिमम वेज दिया जाता है, ये तो मजदूरों का शोषण हो रहा है। और जब वो बता दें तो उनसे पूछना, पापा आप कहते हैं कि इतना बढ़िया है, चलिए आप ही बता दीजिए इस देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? और इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि उनको जो मन होगा वो ये देश में करेंगे। ये देश को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, तो इनको हम चैलेंज करते हैं, तुम्हारी हरकत अगर अंग्रेजों वाली होगी तो हमारी हरकत फिर क्रांतिकारियों वाली होगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि अगर इस देश के भीतर देश की बुनियादी संस्कृति और लोगों के बुनियादी सवाल पे हमला किया जाएगा तो लोग किसी का इंतजार नहीं करेंगे, लोग किसी नेता का इंतजार नहीं करेंगे। मरता क्या ना करता जी, मरता क्या ना करता, 5 साल से तैयारी कर रहा था, 20 गुना रिजल्ट का वादा किए, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिए, एक ही स्टूडेंट को 3 जगह पे पास कर दिए, बाकी लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आया, विद्यार्थियों ने करोड़ों ट्वीट किया, पता नहीं रेल मंत्री क्या कर रहे थे तब। एक तो ये अजब खेला चल रहा है इस सरकार में, कानून का सवाल हो तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल का सवाल हो तो वित्त मंत्री बोलेगा, वित्त का सवाल हो तो रक्षा बोलेगा, रक्षा का सवाल हो तो मानव संसाधन बोलेगा, पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन सा मंत्री है। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक सुपर डुपर क्लाइमेक्स आया जब वो पंजाब गए, उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना मैं सुरक्षित लौट आया। अब पता नहीं और सुरक्षा में क्या हुआ था उनके। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसकी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आई? सास जो कभी बहू थी। क्या लॉजिक? प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? देश में गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री कहीं कोहली वाला विवाद तो सुलझाने के लिए नहीं चल रहे गए थे, या टेनी जी से मिलने के लिए आ गए हो? और बताओ टेनी कैसे हो, तुम्हारा बेटा तो जीप चढ़ाने में बड़ा मास्टर है, अगली बार इसको ग्रैंड स्लैम के लिए भेज देंगे। क्या हो रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है सरकार के लिए? क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाता है? अब आई बोली तो लगा कि विद्यार्थियों को भी ट्वीट करके देखते हैं, नहीं रेल मंत्री तो कम से कम कपड़ा मंत्री ही आकर के कुछ बोल देंगे। रेल मंत्री नहीं आए, जब विद्यार्थी मजबूर होकर के सड़कों पे उतरे, रेलवे ट्रैक पे उतर आए, तब आनन फानन में रेल मंत्री आते हैं और रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे आपकी संपत्ति है,
इसका नुकसान मत कीजिए। मैं भी हाथ जोड़ करके आपसे यही कहता हूँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे अश्विनी वैष्णव साहब, कि रेलवे हमारी संपत्ति है, इसको अपने दोस्तों के हाथ में मत बेचिए। आप मुझे बताइए कि मेरी कान जो है वो 1.5 फीट की हो जाए, ये स्वस्थ होने की निशानी है? ये स्वस्थ होने की निशानी नहीं है ना? समाज में संतुलन हो, और समाज में संतुलन के लिए जरूरी है कि जो समाज की आधी आबादी है उस आधी आबादी को उसको हक मिलना चाहिए। इसीलिए जब प्रियंका जी ने यह नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका मतलब यह है कि यह शुरुआत है। एक कहीं हमने एक शायरी पढ़ी थी कि एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। जब हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, जब हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री हुई, राष्ट्रपति हुई, तमाम क्षेत्रों में जाकर के, यहां तक कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें जाकर के महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, अपनी वीरता और अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं, राजनीति में भी उनको अवसर मिलना चाहिए। इस सवाल को हमने प्रमुखता से उठाया है, इस सवाल को हमने प्रमुखता से उठाया है कि एक तरफ अगर आप 2-3 लोगों को इस देश की संपत्ति लूट करके उसका खजाना मोटा करता रहेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा मूरी इतना बड़ा हो जाए तो हम गिर जाएंगे ना मूरी भार, हम चल नहीं पाएंगे इस धरती पे। ग्रेविटेशन का रूल ये कहता है कि शरीर के डायमेंशन के हिसाब से अगर मूरी ज्यादा बड़ा हो जाए पलट के गिर जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके अपने कुछ निजी दोस्तों की मदद की है, इससे देश में संकट गहराता जा रहा है। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तब काम करता है जब उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर होता है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाई साहब नहीं लगेगा जुमला बना दिए ना, BSNL आज कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, और आज जियो की हालत क्या है? पहले क्या होता था, आजा ले ले फ्री में दे देते हैं, अब क्या हो रहा है 750 रुपया, कितना का रिचार्ज हो रहा है 719 रुपया, और 1500 से कम कमाने वाले इस देश के अंदर करोड़ों परिवार की संख्या बढ़ गई है। GDP घट गया है, ग्रोथ रेट घट गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। ये हमारा आपका सवाल है, इसी सवाल को केंद्र में रख करके जो भर्ती विधान हम लोगों ने जारी किया है उसका उद्देश्य ये है कि एक तो सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, दूसरा ये है कि इस देश के जो नौजवान हैं जिनके पास क्षमता है उनको भागीदारी दे करके उनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो आएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, उनसे आप सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, एक बात बताइए, अच्छा दिन कब आएगा, 15 लाख कब हमारे खाते में पहुंचाया जाएगा। अगर इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आप मान लीजिएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं खरीदना है, सच के साथ खड़ा होना है, क्योंकि सच की ताकत ये है कि इसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है, इसको स्थापित करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अगर इसको आप आजमाना चाहते हैं तो आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के 50 बार नीम नीम बोलिएगा, देखिएगा आम नीम होता है कि नहीं होता है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।